नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार बस और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना महामारी के दौर से हमारा देश काफ़ी प्रभावित रहा है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 8 लाख से ऊपर पहुँच चुकी है। तो आज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इससे आपको टीम अग्निवेश के परिचय, टीम अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति का परिचय एवं उसके कार्य प्रकृति के बारे में पूरी तरह से पता चलेगा और आपको ये भी विदित होगा कि आप टीम अग्निवेश वैदिक संस्कार को कहाँ किस तरह से सहयोग दे सकते हैं जो राष्ट्रहित में हमेशा आपके काम आएगा। दोस्तों, ये चैनल अब अपने अगले कदम की तरफ बढ़ रहा है। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अब ये चैनल सिर्फ वेब दुनिया का नहीं रह गया है, इसने अपने कदम को जमीनी हकीकत में रूप में बदलने का कार्य शुरू कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों में टीम अग्निवेश का एक थीम रहा है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रसन्नम, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और जो बीमार लोग हैं उनको रोगों से मुक्त किया जाए। इसी क्रम में हमने इस चैनल पर जातियों का इतिहास भी डाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जातियों का इतिहास इसलिए डाला गया ताकि हम सभी देशवासी एक दूसरे की सम्मान की दृष्टि से देख सकें और समझ सकें कि इतिहास में हर जाति का या हर व्यक्ति का उसके पूर्वजों का कहीं ना कहीं भारत को भाग्य विधाता बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो दोस्तों, अब क्योंकि वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति से लगभग सभी लोग परिचित हैं, तो मैं चाहता हूँ हमारी टीम की ये भावना रही है कि अब जो कार्य हम सामाजिक रूप से समाज को दे सकते हैं उसका कार्यान्वयन शुरू होना चाहिए। इसी क्रम में मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि अब हमारी समिति की वेबसाइट www.agniveshvaidiksanskar.in जो आपके स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है, इसको लाइव किया गया है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिससे आप टीम अग्निवेश से जुड़ने के लिए वहाँ से मेम्बरशिप पे क्लिक करके आप मेम्बरशिप ले सकते हैं, लाइफ टाइम मेम्बरशिप होगी। और हमारा जो मूल मंत्र होगा वो ये होगा कि आपको 100 वर्ष जीने का मंत्र कैसे सिखाया जाए, कैसे बताया जाए और ऐसे सामान्य भाषा में जिसमें आपको बहुत सोचना या समझना ना पड़े। तो अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति की वेबसाइट ही ऐसी डिज़ाइन की गई है कि आपको हर चीज़ बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। और मैं बता दूं, इस वेबसाइट पर जितनी भी जानकारी दी जा रही है वो कोई मनगढ़ंत जानकारी नहीं दी जाएगी, आपको वही जानकारी दी जाएगी जो आयुर्वेद की पुस्तकों जिनका प्रयोग BMS या MD छात्रों के साथ किया जाता है, उन्हीं पुस्तकों के रिसर्च आर्टिकल्स जो कि हमारे प्रोफेसर्स आयुर्वेद के वैद्य या फिर उत्तर दक्षिण भारत में पाए जाने वाले जितने भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी राय के अनुसार ही उस वेबसाइट पर उसको अपलोड किया जाएगा। इसीलिए अगर आप देखें तो इस वेबसाइट को बहुत यूनिक बनाया गया है क्योंकि इस पर एक नोटिस चलती रहती है जिस पर लिखा होता है स्पष्ट रूप में कि इस वेबसाइट पर उपलब्ध सभी जानकारियां शास्त्रोक्त सही हैं। तो दोस्तों, ऐसे समय में क्योंकि आज वैद्य दुनिया में आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं जो कहीं ना कहीं आपको नुकसानदायक हो सकती हैं, ऐसे में टीम अग्निवेश ने एक प्रयास किया कि क्योंकि लोकल टू ओकल, ओकल फॉर लोकल, आपको इस समय अपने देश की सुरक्षा एवं सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए अपने देशवासियों की ऐसी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएं जो बिल्कुल सही हों। तो ऐसे में टीम अग्निवेश आगे आई है और आपको अब भारत की ही बनी हुई, भारत की ही टीम द्वारा तैयार किया गया डाटा आपको वेबसाइट पर मिल सकता है जो कि आयुर्वेद का होगा और ऑथेंटिक होगा क्योंकि वहाँ पर जो जानकारी दी गई होगी उसके बारे में, वो जानकारी कहाँ से एकत्रित की गई उसके बारे में, उस पुस्तक का नाम, उसका श्लोक का नंबर या संस्कृत की जो भी जानकारी होगी सब कुछ लिखा हुआ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये रही अपने वेबसाइट की बात और अब हम बात करते हैं कि आगे अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति राष्ट्र सेवा कैसे कर सकती है। तो इस कड़ी में हमने एक प्रयास किया है हमारी टीम ने कि हम अब 10 गाँव में, क्योंकि आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट कहता है कि ऋतु संधि काल, यानी कि जो आपका 1 वर्ष 12 महीने का होता है उस वर्ष में 6 ऋतुएँ चेंज होती हैं, बसंत, हेमंत, शरद, वर्षा, शिशिर और ग्रीष्म। इन 6 ऋतुओं के चेंज होने पर, मतलब जब ये ऋतुएँ बदलती हैं तो उस बदलाव के समय में 15 दिन ऐसा होता है जिस समय आपके बॉडी के हार्मोन्स और केमिकल्स या फिर ब्लड, जितने भी बॉडी के आपके जो ऐसे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और उस समय आपकी इम्यूनिटी पावर काफ़ी कम हो जाती है। ऐसा होने से आप में रोगों के बढ़ने का चांस बहुत बढ़ जाता है, वो चाहे बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग हो या फिर कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से फैलने वाला रोग हो। लेकिन यदि इस समय में आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को उन 15 दिनों में मजबूत बना लेते हैं तो आप फिर
उस पूरे ऋतु में बीमार होने के चांस को घटा देते हैं, यानी कि आपके बीमार होने का चांस बहुत कम हो जाता है। ऐसे में टीम अग्निवेश ने यह निश्चय किया है कि हम हर एक कदम के साथ ही कुछ नया करेंगे। तो हमने 5 मॉडल गांव लिए हैं। उन 5 मॉडल गांव में हमारी टीम जो आपको दिख रही है, ये हैं पंडित सच्चिदानंद मिश्रा हमारे कोषाध्यक्ष, और ये हैं श्री दिलीप योगी जी हमारे ग्राम पुंज। तो हम क्या कर रहे हैं कि हर गांव से 8 व्यक्तियों की हमें आवश्यकता होगी, जिसमें 7 सप्तऋषि कहलाएंगे। ये 7 ऐसे लोग होंगे जो गाँव वासियों को मुफ्त में योगा इत्यादि को सिखाएंगे, और इनका ट्रेनिंग पहले अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति द्वारा जो ट्रेंड लोग हैं उनके द्वारा इनको योगा सिखाया जाएगा, इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर वो 7 लोग अपने गांव के जो इच्छित व्यक्ति होंगे उनको योगा इत्यादि सिखाएंगे, और जब भी ऋतु संधि होगी, यानी कि साल में 6 बार ऋतुएं बदलेंगी, उन 6 ऋतुओं के बदलाव के समय पर 6 बार अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति द्वारा पूरे गांव को मुफ्त में इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा उपलब्ध कराया जाएगा। और वो इम्यूनिटी बूस्टर काढ़े को आप आराम से पहचानें, इसलिए समय समय पर कार्य को सुरक्षित और सुसंगठित तरीके से करने के लिए उसका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा कि इसमें गिलोय है, ये गिलोय कैसी दिखती है, इसकी पत्ती कैसी होती है, और आपके आसपास गांव में गिलोय कहां लगी हुई है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो काढ़ा बटेगा वो गांव के आसपास ही लगी हुई जड़ी बूटियों को पहचान करके उनको एकत्रित किया जाएगा और फिर उसी गांव की सेवा की जाएगी। तो मेरे दोस्तों, ये भारत में हमेशा से होता रहा है। यहाँ पर चिकित्सा विज्ञान पर के नाम पर कभी भी घोरक धंधा नहीं चला है। जिस प्रकार आज बड़े बड़े अस्पताल छोटी छोटी बीमारियों पे 20-20 लाख का आपको बिल पकड़ा देती हैं, इससे दुखी होकर टीम अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति उस इलाके में काम कर रही है जहां पर सरकार की नज़रें या पहिया अभी तक नहीं पहुंचा। फिर भी हम लोगों ने हार नहीं माना, और आप सबके सहयोग से, आप सबके सहयोग के लिए आप टीम आपको धन्यवाद देना चाहती है। आपके इस विनम्र सहयोग का टीम अग्निवेश आपको हृदय से धन्यवाद देती है, और मैं चाहूँगा कि आप सभी ऐसे हमारे कार्य की सराहना करते रहें जिससे टीम को ऊर्जा मिलती रहे, टीम समय समय पर आपके द्वार पर पहुंचकर आपकी सेवा कर सके, और टीम अग्निवेश आपके सतत सेवा में लगातार जुड़ी रहेगी। इस वीडियो को सिर्फ हमने अपने टीम अग्निवेश, अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति का परिचय एवं उसके कार्य प्रकृति के बारे में बताने के लिए बनाया था। तो दोस्तों, आप सबका प्यार हमें अब उठकर खड़ा होने की स्थिति में लाकर कि आपने हमको उस स्थिति में ला दिया जहाँ से हम उठकर के आगे समाज सेवा कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत 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 आभार, और टीम अग्निवेश आप तक ऐसी जानकारियाँ लगातार पहुँचाने की कोशिश करती रहेगी। इसी कुछ शब्दों के साथ मैं वैदेव शिव कुमार वर्ष आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही नई जानकारी से मिलूँगा के साथ मिलूँगा, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, इससे हमारी टीम का मनोबल बहुत बढ़ जाता है और कार्य करने की क्षमता भी। नमस्कार।